हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि महाराष्ट्र सिटी एक लॉटरी है, कब निकल जाए, कब क्या नोटिफिकेशन आ जाए, कब क्या हमें जानने को मिले, ये कोई कुछ नहीं बता सकता। तो दोस्तों, कल से जो है बहुत ही बड़ी बड़ी अपडेटें आने लगी है। हमने कल एक वीडियो बनाया था कि जो है डेट एक्सटेंड हो गई है, वो एक दिन के लिए हुई है और सिर्फ एक दिन, मतलब 25-26 को होना था और अब 27 तारीख को होना है। 25-26 को MBA CET का होना है, जो टेलीग्राम मतलब जो क्या बोलते उसे ट्विटर पे जो है आया था ऑफिशियल सीटी सेल की तरफ से, 25-26 को MCA CET का एग्जाम होना है, सेम उसी डेट को हो रहा है और जो है एक दिन के लिए MCA का एक्सटेंड हो गया है। MBA CET का तो एडमिट कार्ड भी रिलीज होना आज से स्टार्ट हो गया, आप डाउनलोड कर सकते हो एडमिट कार्ड। तो अब 9 9 दिन, 8 से 9 दिन बचे हैं हमारे पास। तो 8 से 9 दिन में हमें ये क्या करना है, और दोस्तों ये फाइनल डेट है, अब इसके बाद एक्सटेंड होने की संभावना बहुत ही कम है क्योंकि एडमिट कार्ड रिलीज हो गया। तो एडमिट कार्ड रिलीज हो गया तो अब हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, अब इस 8 से 9 दिन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले, अभी भी अगर आपने हमारे नोट्स और हमारे लेक्चर्स अगर आप चाहते हो, तो एक अफेक्टिव प्राइस में हम दे रहे हैं उस नोट्स और लेक्चर्स। तो जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गूगल फॉर्म फिल करो और अभी से जल्दी ज्वाइन करो क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या दिया गया है। तो देखिए, हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और MCA CET कि अगर देखें तो देखिए, एग्जामिनेशन डेट जो है 27/3/2023 को आ चुका है। अब डेट इसका एक्सटेंड नहीं होगा, एग्जाम उसी डेट को होगा। अभी करेक्शन विंडोज ओपन होंगे और हॉल टिकट या एडमिट कार्ड जो है अब 1-2 दिन में आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही जल्द, मतलब आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको ये सब चीज़ें तो बाद की बात है, लेकिन अभी 8 से 9 दिन में हमें करना क्या है, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अभी 8 से 9 दिन है, इसमें आप जो चैप्टर्स नहीं पढ़े उसे एकदम छोड़ देना है, उसे करना भी नहीं है, आपको एकदम छूना भी नहीं है न्यू चैप्टर को। डेली से एक मॉक तो एकदम कंपलसरी है, मस्ट है। एक खाना छोड़ दो लेकिन एक मॉक देना कंपलसरी, एक मॉक दो, उसको एनालिसिस करो। अभी से 8 से 9 दिन है, अगर 8 से 9 मॉक देते हो, सिंसियरली देते हो, अच्छे से देते हो, तो आपके स्कोर बहुत ज़्यादा बूस्टअप करेंगे। तो अभी सबसे ज़्यादा जरूरी है मॉक देना और जितना पहले आप पढ़ चुके हो उसको रिवाइज करना। अभी आपको सिर्फ दो ही काम करना है, मॉक देना है, एनालिसिस करना और रिवाइज करना जितना पढ़े हो, तुम कंटिन्यूसली रिवाइज करो। मैं कल ही लाइव सेशन लेने वाला था लेकिन नहीं ले पाया, तो आज श्योर है कि आपको 9:30 बजे या 9:30 बजे रात को आपको लाइव ले लूँगा। तो आप उस टाइम जरूर आना, उसमें और अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं कैसे किस तरीके से पढ़ाई करनी है। अभी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि आपका एग्जामिनेशन डेट एक्सटेंड नहीं होगा, उसी डेट को होगा, और मॉक दो और रिवाइज करो। अभी फिलहाल इतना जानो, इतना करो आज के लिए, फिर रात में और हम बताएंगे कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, मैथ्स को कैसे कवर करनी है, रीजनिंग को कैसे कवर करनी है और क्या होने वाला है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और बस मॉक देते रहो। और करेक्शन विंडोज ओपन होगा दोस्तों, जिन्होंने अभी बोल रहे थे करेक्शन विंडो नहीं ओपन होगा, ओपन होगा, जरूर होगा। तो करेक्शन विंडो के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है, और अगर आपने अभी तक हमारे बैचेस को ज्वाइन नहीं किया तो यार जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि 8 से 9 दिन में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है रीजनिंग के लिए, कंप्यूटर के लिए और फिर आपके मैथ्स के लिए। तो जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू, मिलते हैं नाइट में, तो आप लोग जरूर आना। थैंक यू।